नमस्ते, आज हम हरे धनिए की चटनी बनाने जा रहे हैं। इसे कई चीजों के साथ खाया जाता है, जैसे पराठे, चाट आइटम आदि। तो आइए जान लेते हैं इसमें हम किन किन इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने हरा धनिया लिया है, इसे अच्छी तरह से धो के इस तरह से हमने इसे काट लिया है। और ध्यान रखिए, हमें सिर्फ पत्ते ही नहीं, हमें इस तरह से इसकी ये पतली डंडियां भी ले लेंगे, क्योंकि इसी से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए हमें सिर्फ पत्तियां नहीं चाहिए उस। और हमने लिया है हरी मिर्ची, ली है 2 से 3, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे इस तरह से काट लिया है। कुछ कलियां हमने लहसुन की ली है, थोड़े से दाने हमने मूंगफली के लिए, और 1 चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है। अब हमने एक मिक्सी के जार में धनिया डाल लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ये हरी मिर्च डाल देंगे, और ये जीरा, लहसुन और मूंगफली के दाने अब हम इसमें ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें करीब 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, जिससे ये बहुत ही आसानी से और एकदम महीन पीस ली जाए। तो हमने सब मिक्सी के जार में डाल के इस तरह से इसको महीन पीस लिया है, और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप टमाटर की जगह नींबू भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये चटनी कम से कम 3-4 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।